गुजरात में देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने जा रहा है। ये चिड़ियाघर राज्य के जामनगर में स्थित होगा और इसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनाने जा रही है। ये एक ऐसा चिड़ियाघर होगा जहां पूरे देश और दुनिया से 100 अलग अलग प्रजातियों के जानवर, पक्षी और रेप्टाइल्स को रखा जाएगा। और क्या होगा इस चिड़ियाघर में खास और ये कब तक बनेगा, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने चिड़ियाघर बनाए जाने की रिपोर्ट की शनिवार को पुष्टि की थी। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में खास तौर पर मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की बेहद खास दिलचस्पी है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इस चिड़ियाघर को 280 एकड़ में बनाया जाएगा। जामनगर के करीब मोती केवड़ी में स्थित रिलायंस के रिफाइनरी प्रोजेक्ट के करीब ही इसे बनाने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स भी है, यहीं से पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट भी संचालित होता है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी के मुताबिक चिड़ियाघर बनाने के काम में कोविड-19 के कारण देरी हुई। अगर आगे काम में कोई बाधा नहीं आती है तो इस चिड़ियाघर को अगले 2 साल में आमजनों के लिए भी खोल दिया जाएगा, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर 2 साल में तैयार हो जाएगा। वहीं कंपनी के डायरेक्टर परिमल नाथवानी ने बताया कि इसे ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम नाम दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम विभागों से सभी जरूरी इजाजत ली जा चुकी है। योजना के मुताबिक चिड़ियाघर में कई अलग अलग भाग होंगे। इसमें फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉग हाउस, इंसेक्ट लाइफ, ड्रैगन्स लैंड, एक्जोटिक आइलैंड, वाइल्ड ट्रेल ऑफ गुजरात, एवेक्टिक किंगडम के नाम से अलग अलग सेक्शन होंगे। जानवरों की प्रजातियों की बात करें तो बार्किंग डियर्स, फिशिंग कैट्स, स्लोथ बियर्स यानी भालू, भारतीय भेड़िए, कोमोडो ड्रैगन्स जैसे मुख्य आकर्षण होंगे। इसके अलावा अफ्रीकी शेर, जगुआर यानी तेंदुआ, चीता, 20 जिराफ, 12 शुतुरमुर्ग, अफ्रीकी हाथी, भारतीय सारंग जैसे जानवर भी शामिल होंगे। ऐसे ही फ्रॉग हाउस में करीब 200 अलग अलग तो वहीं एक्वेटिक किंगडम में 350 तरह की मछलियां मौजूद होंगी। वहीं पर्यावरण मंत्रालय के एडिशन डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट सौमित्र दास गुप्ता ने बताया कि प्राइवेट चिड़ियाघर की अवधारणा भारत में नया नहीं है। देश के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक जूलॉजिकल गार्डन जो कोलकाता में है वो भी प्राइवेट है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।